ठंड में आपने अक्सर देखा होगा ना कि कई बार अपच हो जाती है और पेट में ठंड होने की वजह से कितना दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि बैठा भी नहीं जाता है। और अक्सर अपच होती है या फिर खट्टी डकारें आती हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आज फिर चलते हैं वन अनुसंधान केंद्र में और बातचीत करेंगे एक्सपर्ट से। मदन सिंह बिश जी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे और बताएंगे वो कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आपके लिए इस अपच को दूर कर सकती है, खट्टी डकारों को दूर कर सकती है, जलन को दूर कर सकती है। क्योंकि कई अंग्रेजी दवाइयां लेने के बाद, जैसे पेंटोप लोग ले लेते हैं या फिर डाइजीन लोग लेते हैं, तो वो रेगुलर लेते हैं, हालांकि उसमें जो है मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी राय ज़रूर देते हैं, लेकिन हम बातचीत करेंगे कि इन अंग्रेजी दवाई से अगर बचा जाए तो कैसे बच सकते हैं और आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए आप कैसे चल सकते हैं। हमारे साथ में मदन सिंह बिश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं वो है मरोड़ फली, हेलेक्टस आइसोरा उसका बॉटनिकल नेम है, और ये एक मध्यम झाड़ी प्रजाति की का पौधा है। और इसमें जो है ये इस तरह की जो फल है, जो मरोड़, जिसका बिल्कुल मरोड़ फली जैसे इसका नाम है, इसमें जो है बिल्कुल रस्सी की तरह से बना हुआ इसका कवर है, सीट इसका बीज का, और इसके अंदर जो छोटे 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 जो दाने होते हैं ये इसका ख़ास तौर से इसका यूज़फुल है। मरोड़ फली बेसिकली पेट में अपच हो जाए, पेट में जलन हो जाए, खट्टी डकारें आ जाएँ, या रह रहे के दर्द हो रहा हो पेट में, उसके लिए इस जो यो इसका सीड है मरोड़ फली का, वैसे इसका रूट भी काम होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो बीज है, काले रंग का छोटा छोटा बीज है, उस बीज को अगर हम या तो रात को भिगा लें, भिगाने के बाद सुबह उसको फूल जाता है उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसको पाउडर फॉर्म में लेके हम गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो हमको आराम। और देखिए आप कितना जो है थोड़ा डिफरेंट है, आप लोगों को देखने में भी लग रहा होगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इसको, और इसका जो आयुर्वेदिक उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा दवाइयों में भी सर होता होगा, जो आप समझ पाते होंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका बहुत सारी दवाइयाँ जो बनती हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं आयुर्वेद की, वो इसके लिए, इसका मरोड़ फली का जो उदर रोग है, जो पेट संबंधी रोग हैं, उन रोगों के लिए इसकी दवाई बनाते हैं। और दूसरा इसकी, इसका जड़ भी लार्ज स्केल पर जो लोग इसको कमर्शलाइज करते हैं, इसकी जड़ों को निकाल के इसका जड़ का भी पाउडर बनता है, तो ये बहुपयोगी है जो उदर रोग में काम करती है। सर कैसे जो है सेवन करने के लिए, आपने सेवन की तो विधि बताई दी, तो कितने समय तक ले सकते हैं उसको, जिससे जो है कोई भी जो है उसका ट्रीटमेंट जो है रेगुलर अगर करना चाहे, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जलन काफ़ी लोगों के पेट में रहती है और खान पान थोड़ा सा अलग है इन दिनों। देखिए थोड़ा सा जो इस समय का जो खान पान है, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग जो भोजन करते हैं उसको एक तो प्रेम से नहीं करते हैं, चबा के नहीं करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में पेट में डालते हैं, तो वो जो है हमारे जो आते हैं वो कम मात्रा में उसको पचा पाती हैं, तो उसकी वजह से विकार पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, पेट में मल रुक जाता है, पेट में जो है आव बन जाती है। तो इसके लिए अगर इस मरोड़ फली का जो पाउडर है इसको अगर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, तो नियमित रूप से अगर एक डेढ़ महीने तक आदमी लेता है तो उसका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा और उसको आगे फिर इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अपने खान पान में उसको थोड़ा नियमित करना पड़ेगा, और इस तरह से अगर वो करता है तो उसको लाभ जरूर मिलता है। क्या घर में हम इसको उगा सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, देखिए आप दर्शकों को दिखा देते हैं कि काफ़ी बड़ा जो है हो जाता है ये पेड़, तो सर से बातचीत करते हैं कि क्या जो है घर में भी अगर इतना बड़ा हो जाएगा तो पूरा लोगों का घर ही घेर लेगा। ये घर के लिए किचन गार्डन के रूप में इसको नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ा एरिया चाहिए, जो खेत वाले हैं वो इसको अपने मेड़ों पर लगा सकते हैं। इसका बाज़ार में पंसारी के यहाँ भी इसका सीड मिलता है, इसके जो बीज हैं छोटे छोटे काले से, उन बीजों को भी लेके आप उपयोग कर सकते हैं, और जिनके पास जो बड़े फार्मर्स हैं वो अपने के किनारे किनारे लगाते हैं तो उसके लिए ये, उसके साथ साथ ये फ्यूलूड के रूप में भी इसका यूज होता है, और पत्तियां जो हैं इसकी जानवरों के लिए चारे के रूप में भी यूज़ किए जा सकते हैं, यानी बहुपयोगी पौधा है मरोड़ फली। बिल्कुल, आपने देख ही लिया होगा कि मरोड़ फली कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, कितना लाभकारी है, जिसके ज़रिए हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमें हम लगातार इन सब ऐसी ही जड़ी बूटियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिससे आपको अपने जीवन में खुशहाली आप महसूस कर पाएँ। हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट टीवी को, तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हम लगातार आपको उन बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं जो आप लोगों के लिए जीवन में कहीं ना कहीं आपको परेशानी में खड़ा कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।